बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो डॉक्यूमेंट्स का है। उस डॉक्यूमेंट का जो आज सेकंड लेसन हम डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट लेसन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, वो आपने सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना तो पहले उसे सुन लीजिए, ताकि हमारे जो है डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स वाला जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो अच्छे से आपको समझ लग जाए और MCQs में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये ओ लेवल का जो कोर्स है आपका 7707, इसके अलावा और जो मल्टीपल कोर्सेज हैं जिसमें MCQs वगैरह पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा भी लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारा टॉपिक चल रहा है डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड, और उसके ये सेकेंड मीन्स के लास्ट वीडियो 2 of 2, राइट जी। हमारी टोटल 2 वीडियोज़ थी, उसमें से ये सेकेंड वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इसके अंदर भी बहुत ही अहम पॉइंट जो है ना डिस्कस होने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 4 जो है, 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ इसको जो है ना वो देखें, राइट जी। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास क्या है, अ डेबिट नोट इज सेंट टू अ सप्लायर, राइट। डेबिट नोट सप्लायर को भेजा जाएगा, तो कौन भेजेगा, कस्टमर भेजेगा, ओके। व्हेन डैमेज गुड्स are received, for example, Mr. Seller sells goods to Mr. Buyer. अब buyer को damaged goods मिली हैं, अब ये जो document issue करेगा, right, on credit, और ये जो document issue करेगा, the goods are damaged in transit, या वैसे ही उसकी requirement के मुताबिक नहीं थी, the goods are damaged in transit, a debit note will be issued by Mr. Buyer टू मिस्टर सेलर। तो बायर ये सेंड करता है मिस्टर सेलर को, तो मिस्टर सेलर जो है वो उसके अगेंस्ट इसको जो क्रेडिट नोट है, जो कि पिछली वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, तो ये क्रेडिट नोट इसे इशू करेगा। तो क्योंकि बायर जो जो सेलर है वो इसकी बुक्स में, बायर की बुक्स के अंदर क्रेडिटर शो हो रहा होता है ड्यू टू क्रेडिट परचेजेस, तो उसको कम करता है, उसमें रिडक्शन होती है, तो उसकी नोटिफिकेशन वो भेजता है कि मैंने आपको अपनी बुक्स के अंदर जो है ना वो डेबिट कर लिया है, मींस कि आपका जो आपकी लायबिलिटी है, आप मेरी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी को मैंने कम कर दिया है, तो मैं आपको ये नोट भेज रहा हूँ। सो डेबिट नोट विल बी इश्यूड बाय बायर टू इट्स कस्टमर, टू हिज कस्टमर, ओके। तो ये आपका डेबिट नोट है। तो फिफ्थ पॉइंट जो इसका है, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है, अ कस्टमर विल इशू अ डेबिट नोट टू इन्फॉर्म अ सप्लायर ऑफ एन ओवरचार्ज। अब सिर्फ डेबिट नोट डैमेज गुड्स के लिए नहीं आता, तो इसमें समझने वाली बात ये है कि डेबिट नोट ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न चीज़ें हों तो फिर ही करेंगे, किसी भी वजह से आप अपने क्रेडिटर को कम कर रहे हैं, उसने ओवरचार्ज कर लिया, गलती से ज़्यादा पैसे लिख दिए, चीज़ें डैमेज हो गई, चीज़ें आपको पसंद नहीं आई, ठीक है, या बिल के अंदर सही तरह से वो उसने जो है ना वो एरर आ गया, किसी भी वजह से आपने अपने क्रेडिटर को जब रिड्यूस करना है उसकी वैल्यू को, उसको आप डेबिट करेंगे तो आपको डेबिट नोट सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई इनवाइस या बिल तो हम भेजेंगे नहीं, तो कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट भेजना है ना, तो उस डॉक्यूमेंट को जिसमें जो नोटिफिकेशन है इस चीज़ की कि हमने आपको अपनी बुक्स के अंदर जो है ना वो डेबिट किया है, तो उसके लिए जो नोट भेजा जाएगा उसका नाम इन्होंने डेबिट नोट रखा हुआ है, राइट जी। तो डेबिट नोट इज इश्यूड ऑलराइट फॉर द टू इन्फॉर्म अदर पार्टी दैट वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट विद सो एंड सो और सच एंड सच अमाउंट, राइट। तो इसका अब ये लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो है हमारा सीक्वेंस ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, ओके। तो आपके ओ लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले डॉक्यूमेंट डिस्कस करें। इसके अलावा बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंटरनल कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितनी ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसी तरह ही अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो है ना वो इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास बनाती है और अपने पास रखती है। वेल द सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट वुड नॉर्मली इज जो ओ लेवल्स में, सबसे पहले परचेज ऑर्डर से पहले भी कुछ कहानी है, लेकिन आप अभी समझिए कि परचेज ऑर्डर से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। तो परचेज ऑर्डर क्या होता है
कि ये आपका, यहाँ पे मैं इसे लिख लेता हूँ बायर, ठीक है, और इधर हम लिख लेते हैं सेलर, इधर लिख लेते हैं सेलर। तो परचेस ऑर्डर जो है वो बायर की तरफ से सेलर को चला जाएगा, जिसमें इसने लिखा होगा जी मैंने ये चीज़ें परचेज करनी है आपसे। फिर है डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट जब सेलर उसके रिटर्न में जब उसको चीज़ें प्रोवाइड करेगा बायर को, तो सेलर इशू करेगा डिलीवरी नोट, और डिलीवरी नोट के ऊपर बायर की तरफ से साइन हो जाएंगे जी मैंने ये चीज़ें रिसीव कर ली हैं, ठीक है, और मेरे ऑफिस में या मेरे फैक्ट्री में ये चीज़ें पहुँच गई हैं। तो ये बायर के पास वापस इसकी कॉपी चली जाएगी। उसके बाद डेबिट नोट है। डेबिट नोट जो है वो बायर इशू करेगा, जो कि सेलर को होगा अगर कोई डैमेज गुड्स हैं या कोई ओवरचार्ज उसने कर लिया हुआ। तो इसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए जो सेलर है, सेलर वो क्रेडिट नोट इशू करेगा बायर को, जी ठीक है आपने चीज़ें वापस कर दी हैं, तो हमने भी आपके अकाउंट को जो कि मैंने पहले डेबिट कर रखा था अब मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, तो हमारा मामला ये वाला सेटल हो गया। और ये इनवाइस, जाहिर है इनवाइस, ये जब डिलीवरी नोट है इसके बाद जो है ना वो इनवाइस भेजी जाती है, और चीज़ों को जो है ना वो जिसके ऊपर सारी डिटेल होती है, जी ठीक है ये जो आपने बाय की है चीज़ें उनकी इतनी प्राइस बनती है, अब आप इसको पे ऑफ करें। और इसके बाद हमने देखा कि एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है ना वो इशू की जाती है, ये जो सेलर है ये बायर को भेजता है कि भाई साहब ये पैसे आपने जो है ना हमारे देने हैं, ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, इनको आप भी वेरीफाई कर। सो दैट वॉज ऑल अबाउट आर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स विच कैन बी आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर इन योर पेपर। ओके, तो आगे अब नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक 4 है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और ये सीरीज़ को बहुत ही ध्यान से सब जो स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, वो इसको अच्छे से देखें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप कैम्ब्रिज के पेपर में बैठेंगे पेपर 1 के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है, लेकिन आप वो लोग होंगे जिनको ज़रा भी मुश्किल इंशाल्लाह पेश नहीं आएगी उसके अंदर, और आसानी से आप एक्यूरेट आंसर को पिक कर लेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इस दुआ के साथ कि आप पेपरों में बहुत अच्छे ग्रेड्स लें और आप कामयाब हों। तो अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।